देश की टॉप एयरलाइंस में से एक, लेकिन अभी ये अपनी उड़ान नहीं बल्कि किसी और वजह से सुर्खियों में है। गो एयर ने 9 जनवरी को अपने एक सीनियर पायलट को नौकरी से निकाल दिया। वजह, उस पायलट ने एक ट्वीट किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। कैप्टन मिकी मलिक ने 7 जनवरी को एक ट्वीट किया था, पीएम इडियट हैं, यही बात आप मेरे लिए भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं मायने नहीं रखता क्योंकि मैं पीएम नहीं हूं, लेकिन पीएम इडियट हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मिकी मलिक के इस ट्वीट पर कतई आउटरेज हो गया। हार्श रिएक्शन आने के बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, नया ट्वीट किया। मैं पीएम के बारे में किए गए ट्वीट या किसी भी ऐसे अन्य ट्वीट के लिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो, माफी मांगता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे किसी भी ट्वीट से गो एयर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़ा है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। हालांकि 2 दिन बाद ही गो एयर ने मिकी मलिक के हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी। एयरलाइंस का कहना है, ऐसे मामलों में गो एयर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ये सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है कि वे कंपनी के नियम कायदे पॉलिसी के अनुसार व्यवहार करें, और इसमें सोशल मीडिया बिहेवियर भी शामिल है। एयरलाइंस किसी भी कर्मचारी के व्यक्तिगत विचारों से खुद को नहीं जोड़ता है। हालांकि पहला मौका नहीं है जब गो एयर ने किसी कर्मचारी की सोशल मीडिया एक्टिविटीज को लेकर उस पर एक्शन लिया है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक जून 2020 में भी गो एयर ने एक ट्रेनी पायलट को नौकरी से निकाला था। ट्रेनी पायलट ने सीता और हिंदू धर्म को लेकर कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। हालांकि बाद में पता चला था कि ट्वीट ट्रेनी पायलट ने नहीं बल्कि इसी यूजर नेम के किसी और व्यक्ति ने किया था। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल जीपीएस मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।